हेलो दोस्तों, न्यू डे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका डीजे दुर्गेश। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की हमारी वीडियो बहुत ही जरूरी और डीजे वाले भाइयों के लिए स्पेशली होने वाली है। दोस्तों मेरे पास है आज एक ब्रांड न्यू DBX का 260 ड्राइव रैक। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा कंप्लीट इक्वलाइजेशन एंड लाउड स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो पूरी इसी के बारे में होने वाली है। बहुत से हमारे डीजे वाले भाई इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आप सबको पता ही है कि क्या है, लेकिन हम आज टेक्निकल कम और ग्राउंड लेवल की बातें ज़्यादा करेंगे कि जो बेसिक और रिव्यू समझ लो इसे, या फिर एक टेस्टिंग वीडियो ही समझ लो। मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में दूंगा, तो बने रहो वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से करते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद करेंगे इसके फीचर्स और इससे क्या होता है ये आपको लगाना चाहिए, और जितने भी आपके डाउट वगैरह सारे हम क्लियर करेंगे। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ड्राइवेक DBX 260 वैसे तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है कंपनी का, लेकिन डीजे वालों के नज़र में और चलन में ये अभी कुछ सालों से आने लगा है। और दोस्तों जो DBX का ओरिजिनल ड्राइवेक 260 आता है, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो DBX का सबसे फेमस और सबसे अच्छा माना जाने वाला ड्राइवेक जो है, वो अभी लगभग 2 साल से मार्केट में अवेलेबल ओरिजिनली था नहीं, लेकिन अब वापस से इसने मार्केट में वापसी की है। वो क्यों या किस वजह से गायब हुआ था पता नहीं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ दोस्तों इसके साथ में ये हमारी केबल्स आती है, एक पावर कार्ड भी आती है, और फाइनली जी हाँ दोस्तों ये कुछ पेपर्स भी हैं इसके साथ में, इसकी मैनुअल बुक भी है। ये हमारे कोई काम की वजह से है नहीं अभी, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसे। तो अभी बॉक्स को हटाते हैं हम साइड में और आते हैं हमारे मास्टर पीस के ऊपर। तो इसे खोल लेते हैं इस पन्नी के बाहर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आप देख ही सकते होंगे, ये है हमारा DBX 260 ड्राइव रैक। कुछ इस तरीके से ही होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से ये होता है पीछे से। और इसके ओवरव्यू की दोस्तों हम अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि सामने इसके कुछ बटन्स हैं दिए हुए, आपने सबने देखे होंगे। मैं आपको लेकिन डिटेल में बता देता हूँ कि कुछ इसके आगे बेसिक चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। तो ये इसके कुछ बटन्स होते हैं रोटरी नोब है, ये बटन से इसके फंक्शनिंग के, इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं उसके सारे बटन हैं। तो ये इसकी 6 चैनल दी हुई है, आउटपुट चैनल, जो कि यहाँ पे हमें दिख सकती है, इंडिकेटर्स उसके यहाँ पे दिए गए हैं। और पीछे की अगर दोस्तों हम बात करें, तो पीछे दोस्तों इसका ऑन ऑफ स्विच है, पावर कार्ड यहाँ लगती है। उसके बाद यहाँ पे इसके इनपुट सेक्शन हैं, दो हैं इसके, 2 चैनल इनपुट लेता है ये, और एक RTM माइक का इनपुट दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 6 चैनल्स हैं जो कि हमारी आउटपुट चैनल्स होती है जो इसमें दी गई है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका फिजिकल ओवरव्यू है, जो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। ये थी हमारी कुछ इसकी अनबॉक्सिंग ड्राइवर की हमारे। और वैसे तो आपने इसकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, ये क्या है, इसकी क्या ऑपरेशंस होते हैं, इसकी चैनल्स वगैरह सब आपको पता ही होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे, तो दोस्तों चलते हैं हम इसके फंक्शंस की ओर, कि इससे क्या क्या होता है और ये किस चीज़ के लिए बना है। जैसा कि हमारे भाई लोग आजकल साउंड चला रहे हैं, जो भी हमारे डीजे रोड शो वाले लोग हैं या फिर जो भी लाइव शो करते हैं, पहले हम क्या करते थे दोस्तों, मिक्सर यूज़ करते थे। मिक्सर से हमारा आउटपुट जाता था जो कि एम्पलीफायर में जाता था, और एम्पलीफायर से हमारे स्पीकर्स में जाता था, लेकिन साउंड में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता था, क्वालिटी मिलती नहीं थी। तो ये हम फिर धीरे धीरे लगाने लगे, क्रॉसओवर लगाने लगे, इक्वलाइजर लगाने लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हम मैनुअली लगाने लगे जो कि मैनुअली सेट होती थी। और उसके लिए दोस्तों फिर बहुत सारी वायरिंग और बहुत सारी स्पेस भी लगती थी, लेकिन उस सब का एक कॉम्पैक्ट सिस्टम बना दिया है ये, जो कि डिजिटल क्रॉसओवर भी कह सकते हैं इसे, हम डिजिटल प्रोसेसर भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा इसके अंदर क्रॉसओवर हमें मिलता है, जिससे हम क्रॉसओवर पूरा सेट हो जाता है। इक्वलाइजेशन के लिए इक्वलाइजर मिलता है इसके अंदर हमें, और कंप्रेसर, लिमिटर, ऐसे बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर जो कि सारे हमारे साउंड लाइन में बहुत काम के हैं। वैसे तो दोस्तों आप सब इससे जानते होंगे कि ड्राइवर क्या है, और क्रॉसओवर में भी आप समझते होंगे, इक्वलाइजर में भी आप समझते होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही डली हुई है, आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉसओवर भी हम आपका इसी के अंदर सेट हो जाएगा, इक्वलाइजर भी इसके अंदर सेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स भी हैं, लिमिटर, कंप्रेसर वगैरह, जो कि हमारे साउंड को बचाते हैं और लिमिट को एक्सेस नहीं करने देते हैं, और साउंड को एक लिमिट में चलने देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ फंक्शंस। अब बात आती है इसके कुछ फायदों की। फायदों की बात करते हैं दोस्तों कि हमारे किस काम का है भी या नहीं।
आज इतनी महंगी चीज़ हम लगा रहे हैं तो ये हमारे काम में भी आएगी नहीं। दोस्तों सबसे बड़ा इसका फ़ायदा और जो सबसे पहला फ़ायदा इसका जो है वो है दोस्तों साउंड की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, साउंड की क्वालिटी को बहुत शानदार कर देता है। जो आप अभी आप बजा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ अगर हो रहा है तो उसकी क्वालिटी के बेटरमेंट के लिए दोस्तों ड्राइवरेक का प्रोसेसर जो जिसे कहते हैं हम वो यूज़ किया जाता है। और सबसे मेन काम भी दोस्तों इसका यही है कि क्वालिटी से साउंड को बजाना, अच्छे से बजाना। अगर आपने कोई सेटअप आपका अच्छे से अच्छा सेटअप भी है और उसमें क्वालिटी नहीं है तो कोई साउंड काम का नहीं है। और एक टाइम था जब क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ चल जाता था, लेकिन आजकल तो पार्टी भी समझदार हो गई है और सभी क्वालिटी मांगते हैं। तो क्वालिटी के लिए दोस्तों सबसे शानदार चीज़ है हमारे ड्राइवेक 260, और इसी के लिए इसे बनाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं साउंड में अगर क्वालिटी होगी तो ही पार्टी को मज़ा आएगा और हमारा भी नाम, साउंड का भी नाम उसी से चलता है और फेमस। तो दूसरी बात दोस्तों, दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हम अलग अलग तरीके के स्पीकर्स यूज़ करते हैं, जैसे बेस का हमारा स्पीकर जो कि बड़े साइज़ का होता है 18 इंची, 21 इंची, 15 इंची जो कि हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। उसके बाद दोस्तों मिड लाइन के हमारे स्पीकर हो गए, HFs हो गई, प्रेशर मिड हो गई, तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों अलग अलग सबकी फ्रिक्वेंसियाँ होती है और अगर उन्हें उनकी फ्रिक्वेंसियाँ सही साथ मिले तो ही वो सारी चीज़ें क्वालिटी देती है, अच्छी बजती है। तो दोस्तों पहले क्या हम मैन्युअली जो क्रॉसओवर यूज़ करते थे उसमें एक वाइड रेंज में काम होता था, एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं होता था फ्रिक्वेंसियों में, लेकिन इसमें डिजिटली आप पॉइंट टू पॉइंट फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बेस चला रहे हैं तो बेस को पार्टिकुलर बेस की फ्रिक्वेंसी ही मिलेगी जिससे वो जिस चीज़ के लिए वो स्पीकर बनाए बेस का वो उसी में काम करेगा और वो बेस ही देगा, प्योर बेस देगा। और इसी तरीके से दोस्तों मिड लाइन की बात करें तो मिड की भी फ्रिक्वेंसी में अलग सेट होती है और हमारी HF हुई, प्रेशर मिड, ड्राइवर यूनिट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ को पार्टिकुलर आप अलग फ्रिक्वेंसी दे सकते हो जिससे वो अच्छे बजेंगे। हर एक आप देख सकते हैं हर चीज़ के ऊपर एक फ्रिक्वेंसी लिखी होती है, आपका स्पीकर हुआ या प्रेशर मिड हुई जो भी हुई उसके ऊपर एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी यूज़ लिखी होती है। अगर उस चीज़ को हम उस फ्रिक्वेंसी के अंदर ही बजाएंगे तो बहुत प्यारी बजेगी और उसके लिमिट तक बजेगी, बाकी तो डायरेक्ट जो बज रहा हो तो बज ही रहा हो, उसमें क्वालिटी नहीं मिलती हमको। दोस्तों तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि हमारे साउंड का फ़ायदा सबसे बड़ा ये करता है कि साउंड को बचा के रखता है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, लिमिटर, कंप्रेशर वगैरह ऐसी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि इसमें यूज़ होती है जिससे हमारा साउंड बचा रहता है, साउंड का उड़ने का डर नहीं रहता। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर हम कोई गाना प्ले कर रहे हैं और अगला ही हमारे ऑपरेटर ने या किसी ने हमारा अगला सॉन्ग जो है वो हाई गेन वाला लगा दिया या फिर बाई चांस किसी ने हमारे मिक्सर से गेन वगैरह बढ़ा दिए, जो भी है प्रेशर अगर एक्सेस प्रेशर आ रहा है तो ये उसे वहीं रोक देगा, ताकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे साउंड पे भी जाएगा वो, और साउंड पे जो नाजुक चीज़ें होती है हमारे प्रेशर में HF वगैरह इन चीज़ों का उड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये दोस्तों उस लिमिट को बना के रहेगा। अगर इसको पता है कि हमने इस पर इतने पार्टिकुलर प्रेशर सेट किया है तो अगर उस प्रेशर से ज़्यादा अगर ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर आएगा तो ये उसे वहीं रोक देगा, उससे बढ़ने नहीं देगा, भले ही आप कितना भी मिक्सर से गेन बढ़ा लो या कुछ भी बढ़ा लो ये उसे वहीं रोक के रखेगा। तो दोस्तों ये एक और बड़ा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि पहले तो हम स्पीकर बहुत उड़ाते थे लेकिन इससे वो आपकी बीमारी बहुत हद तक, अगर आप इसके हिसाब से इसको चलाएंगे तो बहुत हद तक वो बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसका ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि क्वालिटी भी मिलती है हमें और हमारे इक्विपमेंट भी अच्छे रहते हैं और उड़ने का डर भी कम हो जाता है। इससे हम बजट फ्रेंडली हो जाते हैं कि हम बार बार स्पीकर खोलने का डर भी नहीं है, एक बार बस इसे लगाओ और टेंशन। चलिए दोस्तों, हमने इसकी फंक्शंस और इसकी वर्किंग तो हमने समझ ली, लेकिन हमारे बहुत सारे छोटे डीजे वाले भाई लोग हैं जो कि इसे लगाना चाह रहे हैं जिन्हें इसकी ABCD बिल्कुल भी पता नहीं है, तो मैं उन्हें ये भी नहीं पता कि ये लगता कहाँ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसा कि हमारा सिंपल सा सेटअप होता है, हमारा एक मिक्सर होता है जिसको हम लैपटॉप या फिर किसी भी चीज़ से आउट मतलब इनपुट देते हैं मिक्सर को, और मिक्सर से आउटपुट जाता है हमारे एम्पलीफायर में, तो दोस्तों वो डायरेक्ट सेटअप हो गया। और इस बीच दोस्तों ये जो हमारा प्रोसेसर होता है लगता है कहाँ पे, हमारे मिक्सर के बाद में। जी हाँ दोस्तों, मिक्सर के बाद में और एम्पलीफायर के बीच में मिक्सर से आउटपुट आएगा इसके अंदर और इसमें से आउटपुट जाएगा हमारे एम्पलीफायर के अंदर अलग अलग बट के। दोस्तों सीधी सी भाषा में अगर कहें तो ये हमारे साउंड को छान देता है। जी हाँ दोस्तों, जो मिक्सर से डायरेक्ट साउंड हमारा आ रहा है मान लीजिए उससे ये बेस को, बेस वाले चैनल पे अगर आप बेस बना रहे हैं तो वो सिर्फ बेस बेस जाएगा, मिड मिड अलग जाएगी, प्रेशर मिड अलग जाएगी, हमारी HF अलग जाएगी, ड्राइवर यूनिट, सारा साउंड छन जाएगा, बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका यही काम होता है और ये मिक्सर और एम्पलीफायर के बीच में हमारा लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे बहुत सारे डीजे वालों का डाउट ये भी होता है कि इसकी सेटिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही आप इसे ट्यून करवाएं या सेटिंग करवाएं, क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल क्रॉसओवर है, हमारा पूरा प्रोसेसर डिजिटल है, इसकी सेटिंग और ट्यूनिंग किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं तो ही आपका साउंड अच्छा बजेगा। क्योंकि मैनुअल क्रॉसओवर तो अपन खुद भी सेट कर सकते थे सुन सुन के, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि आपको इससे बार बार भी सेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, आपका सेटअप रेडी करिए आप
और एक बार किसी एक्सपर्ट से ट्यून करवा लीजिए। जैसे मैं खुद भी ड्राइवर सेटिंग का काम करता हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आप मेरी तरह किसी भी एक्सपर्ट से आप इसे सेट करवाएं एक बार अपने सेटअप पे अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही आप इसे बजाएं दोस्तों, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि ड्राइवर 260 क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, और ना भी समझ जो आ रहा हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार और बेसिक में मैं बता दूं कि ड्राइवर एक हमारा काम करता है अपने साउंड की क्वालिटी को एनहेंस करने में, क्वालिटी बढ़ाता है, साउंड को अच्छी तरीके से मतलब बजाता है, और साउंड को उड़ने से भी बचाता है, सीधी सिंपल भाषा में देखे तो ये। अब दोस्तों बहुत सारे मेरे डीजे वाले भाइयों के कुछ डाउट होते हैं, कमेंट्स मेरे पास आती है, फोन भी आते हैं मेरे पास, मैसेज भी आते हैं, कुछ डाउट है जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, उन पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा जो कि मेरे डीजे वाले भाइयों के मन में डाउट है, वो फटाफट से क्लियर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। और दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरी देखना, बहुत काम की चीज है आपके लिए ये, और आप आखिरी में आपके लिए मैं एक स्पेशल टिप भी दूंगा। दोस्तों देखा जाए तो पहला हमारा एक पॉइंट ये है कि डीबीएक्स से क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर ही दिया डीबीएक्स से क्या होता है। अब अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि करंट सेटअप जो है हमारे पास, वो इससे बच जाएगा कि नहीं। दोस्तों बहुत सारे डीजे वाले भाई मेरे को बोलते हैं जो हमारे पास सेटअप है, जैसे चार बेस है मेरे पास, कोई कहता है चार बेस चार टॉप है, सिंपल सा सेटअप है या फिर बहुत हैवी सेटअप है, तो इससे बच जाएगा या फिर सेटअप भी लाना पड़ेगा। दोस्तों वो डाउट बहुत सारा जिसको नहीं पता उसके मन में होता है, तो मैं उनको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपके पास चाहे कुछ भी हो, चाहे एक बेस हो या हजार बेस हो, सारा इसका काम है सिर्फ बजाने का, जो आपके पास है उसे ये अच्छी तरीके से बजाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए, अगर आप ये ला रहे हैं ड्राइवर 260, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप ले आए हैं तो आपके पास जो सेटअप है वही अच्छा बजेगा आपके पास, और इसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपने ये खरीदा तो आपको बहुत कुछ दूसरा भी खरीदना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, हेवी सेटअप जरूरी है क्या? दोस्तों बहुत सारे दोस्त मेरे बोलते हैं कि हमें आजकल जमाने के हिसाब से अगर ड्राइवर डाल रहे हैं तो सेटअप भी हमें हैवी करना होगा क्या? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको इसके पहले वाले पॉइंट में बता ही दिया कि आपके पास जो भी है वो सब बच जाएगा, अगर सेटअप हैवी भी है, नॉर्मल भी है या लो भी है, सारा बच जाएगा, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस इसे अच्छे से सेटिंग करवा लीजिए अच्छे किसी एक्सपर्ट से, फिर आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, ना इसको ऑपरेट, आपको कोई ऑपरेट भी नहीं करना है, बस आपको इसको ऑन करना होता है जब सेटअप चालू करो, और ऑफ करना होता है जब सेटअप बंद करो। इसके अलावा इसकी छेड़खानी आपको करनी नहीं है, और ये लॉक भी हो जाता है तो कोई इसको छेड़खानी कर भी नहीं पाएगा, तो आप टेंशन फ्री रहिए। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, इससे लगाने में क्या जरूरी है, इसे कुछ करके एक सवाल आता है मेरे पास कि इसे लगाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल सा, बस आपको ड्राइवर खरीदना है, आपके पास जो सेटअप है सारा चल जाएगा, और कुछ वायरिंग आपको अलग से XLR वगैरह खरीदनी पड़ सकती है, जो कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे मिक्सर का जो है जो एम्पलीफायर में जा रहा है वो तो आउट इसमें इनपुट ले लेगा यहाँ से, बाकी यहाँ से 6 चैनल बनेंगे अलग अलग, वो चाहे आप बेस की बनवा रहे हो या HF की या जो भी आपके सेटअप के अनुसार, तो ये केबल है फिर अलग अलग यहाँ से आपके अलग अलग एम्पलीफायर में जाएगी। जैसे बेस के आपके एम्पलीफायर लगे तो आपने पार्टिकुलर चैनल से बेस लिया है तो वो बेस में यहाँ से चला जाएगा, तो वो केबल अलग होगी। उसके बाद आपकी अगर मिड लाइन है तो मिड के स्पीकर की चैनल आपने एक या दो बनवाई जो भी है, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो यहाँ से आपके मिड के स्पीकर के एम्पलीफायर में चली जाएगी। उसके बाद आपकी प्रेशर मिड हो या HF हो या जो भी हो, आप सारी चैनल 6 चैनल पर अलग अलग बनवा सकते हो, तो उसके लिए आपको XLR चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ अलग से ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास एक बहुत सा क्वेश्चन आता है कि साउंड इसको लगाने के बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे भाइयों के मन में डाउट होता है कि साउंड अगर इसे लगाएंगे इतनी महंगी चीज़ को, साउंड हमारा बढ़ेगा या नहीं, अच्छा बजेगा या नहीं। दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से इसको सेट करवाते हैं तो साउंड आपका जरूर बढ़ेगा और शानदार तरीके से बजेगा, जमीन आसमान का भी फर्क मिलता है। कई सेटअपों में अलग अलग ट्यून करने जाता हूँ तो मेरे को तो कई कई सेटअपों में तो जमीन आसमान का भी फर्क मिलता है। दोस्तों साउंड आपका जरूर बढ़ेगा, अच्छे से सेट करवाइए, खरीदिए आप इसे लगाइए, और जमाना इसी का है दोस्तों, और ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। अगला पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई लोग जो मेरे को सेटिंग के लिए भी बुलाते हैं या जिनके पास है या जो लाने वाले, वो कहते हैं कि साउंड डबल हो जाएगा कि नहीं। कोई कोई मन में ऐसा होता है कि यार अपन साउंड तो अपना लो ही है या जो भी है मीडियम है नॉर्मल है, लेकिन हम अगर ड्राइवर लगा लेंगे तो साउंड तो डबल हो जाएगा या फिर खतरनाक तरीके से बजेगा। दोस्तों ऐसी भी मन में आप भावना ना रखें, जो आपके सेटअप की वैल्यू है जितना सेटअप आपका बच सकता है उतना उसको ये बजा देगा, अच्छे तरीके से बजा देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी सेटअप आपका चल रहा है, अगर मान लो कहीं ना कहीं वो कुछ कारणवश अगर नहीं सही से बज रहा है, फ्रिक्वेंसियाँ सही मैच नहीं है, तो इसकी वजह से वो सारी क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम, फ्रिक्वेंसियाँ सारी अच्छी हो जाएगी और आपका सेटअप भी बहुत अच्छे तरीके से बजेगा, 100% आपका सेटअप आपको देगा। लेकिन अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सेटअप अभी जो बज रहा है उससे डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अगर कई केसेस में हो भी जाता है, लेकिन हमेशा आप उसके भरोसे ना रहें कि अगर आप लोकल माल चला रहे हैं और आप सोचे कि आपकी नॉर्मल HF प्रेशर जैसी बच जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। सेटअप की जो आपकी वैल्यू है उतना बच जाएगा, जरूर बच जाएगा। और अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ ट्यूनिंग करी है सभी को मज़ा आया है दोस्तों, और जितने मैंने भी खुद ने जब से ड्राइवर लगाया है
तब से मैंने आज तक एक भी प्रोग्राम बिना ड्राइवर के नहीं किया। तो आप बेफिक्र होकर ड्राइवर लगाइए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसे अच्छे से सेट करवाइए और आपको बहुत मजा। ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो इसमें ज़रूरी है अगर आप ये लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपकी केबल और वायरिंग जो है, आपके सेटअप की जितनी भी वायरिंग आपने कर रखी है वो आपकी अच्छी होना चाहिए। लोकल लूज फॉल्ट वायरिंग नहीं चलेगी, जो XLR वगैरह होगी वो सारी अच्छी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। कहने का मतलब है कि व्यवस्थित हो, ऐसा नहीं हो कि कोई ब्रांडेड ही लाना होगी, जो होगा वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुरानी ना हो, जगह जगह से टुकड़े ना हो, ऐसी वायरिंग इसमें यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कट लगता है या लूज फॉल्ट होती है, कोई केबल डिस्टर्ब होती है, तो हमारे ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हमिंग आना, एक सरसराहट सी आवाज़ आती है, ऐसी छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स आने लगती है केबल्स की वजह से। तो आप केबल्स अच्छी रखिए, नई केबल्स लगा लीजिए, जब भी आप लगाएं तो आपको ये पॉइंट, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा एक आपके लिए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर राय समझ लो। और दोस्तों दूसरी बात ये कि बहुत सारे हमारे डीजे वाले दोस्तों को मन में रहता है कि ड्राइवर लगाएंगे तो इसके पेज उड़ जाते हैं, प्रीसेट डिलीट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है क्या, लगाना चाहिए नहीं, बार बार सेट करना पड़ेगा क्या? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका करंट सही है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपका करंट का वोल्टेज या फिर एम्पियर की जो फ्रिक्वेंसी, मतलब होती है जो एम्पियर जो निकालता है हमारा जनरेटर, वो अगर आपका परफेक्ट है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसे करंट वोल्टेज सही देंगे तो ये कभी ख़राब भी नहीं होगा, ना आपका प्रीसेट कभी डिलीट होगा, कुछ भी वैसा नहीं होगा। तो आप मन में टेंशन फ्री रहिए, इसको बस करंट सही चाहिए और केबलिंग वायरिंग सही चाहिए, फिर ये परफेक्ट बजेगा। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा कि वायरिंग करने का हमारा तरीका। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वायरिंग का हमारा तरीका। क्योंकि देखो वायरिंग अलग अलग तरीके से होती है, कुछ किसी का वायरिंग करने का तरीका अलग होता है, किसी का अलग होता है, सबका अपने अपने तरीके हैं वायरिंग करने के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर अगर आप लगा रहे हैं तो ये बजा तो आपके सेटअप को जैसा आप बजा रहे हो वैसा ही भी देगा, लेकिन क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको कुछ इसके हिसाब से वायरिंग करनी होगी। जैसे कि ओम्स, ओम्स आप सब समझते होंगे, तो अगर आप ओम्स मिला के वायरिंग करेंगे, जैसे ओम्स मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल भी वायरिंग होती है कभी कभी, कुछ कुछ चीज़ों में सीरीज भी वायरिंग बनती है, तो वह सारी वायरिंग अगर आपने परफेक्ट की है और अगर सही की है तो ये परफेक्ट आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट देगा। बस आपकी वायरिंग सही होना चाहिए, आपके वायरिंग करने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी तो आप ड्राइवर के ऊपर छोड़ दीजिए आपके साउंड को। और मेरी पर्सनल राय ये है कि जितने जिनके भी मन में अगर ये डाउट है कि ड्राइवर लगाना चाहिए या नहीं, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी आपके डीजे हैं छोटे बड़े, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, ये तो आपके सारे सामान को बहुत अच्छी तरीके से बजाएगा। और दोस्तों ये आज की हमारी नॉलेजेबल वीडियो होप सो आपके लिए काम आएगी, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और आज की हमारी इस वीडियो को, बहुत लॉन्ग हो गई, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और लेके आऊँगा। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, या फिर अगर कुछ मुझसे छूट गया है आप और जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो वो भी इसके बारे में पूरी बता दूँ आप कमेंट में भी, या फिर रील वीडियो बना के। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। चलो भाई, नमस्ते।